सर, एक 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 समाज की मान्यता है कि कभी माँ बाप पर चाचा भतीजे को झूठ बोलना नहीं सिखाता। ना मैंने इसे झूठ बोलना सिखाया, ना इसने झूठ बोलना सिखाया, परसों नहीं है। और अगली बात तो फैसल हो तो बोले दो ना, सारे दिन झूठ है। ये भी थारी उम्र में सारी झूठ बोली, यानी भी सारी उम्र में झूठ बोली। भाषा पर विरोध लगाइए। एक मिनट, ये इस तरह की बात की है, मैंने हमेशा झूठ बोली है, सदन के फ्लोर पे कही जाती है और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल अच्छा। नहीं, देखिए गलत चीज़ मैं पूछना चाहूंगा, मैंने सदस्य ने किस बात पे, उनने कहा क्या मैंने बाजरा का डाटा गलत दिया है? क्या आज जो यहाँ आंकड़े रखे गए हैं उसमें डाटा कोई गलत है? कल क्या बोल रहा था? आज माननीय सदस्य ने ये बात कही है कि आपने पूरी माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ, दो पेज के रिप्लाई में कुछ रणजीत सिंह से जिसने कही उस पर आरोप लगाइए। अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट आपने उनको बोलने का मौका दिया, हमारी एक सवाल में भी झूठ बोलता था। आप खुद इस हाउस के प्रोसीडिंग को लीनेंट कर मर्यादा इस हाउस की खत्म कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इस पे रूलिंग जरूर दीजिए कि इस तरह की रनिंग कमेटी का इस बात को कि कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है, हर व्यक्ति को पता है। चलिए आप प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं पहले तो आप मुझे जब बोलने से रोक लेते हो और जब मैं ये प्रश्न पूछने के लिए खड़ा होता हूँ तो तीन तीन चार चार मंत्री खड़े हो जाते हैं। आप प्रश्न बीच में कोई कांग्रेस के साथी भी आ जाते हैं। आप प्रश्न पूछिए प्लीज। स्पीकर सर, देख लो फिर बीच में कमेंट्री होने लग रही है। ये तो कादियान साहब, ये रनिंग कमेंट्री जो है ना, ये बंद करनी चाहिए। एक मिनट, फिर वही बार जाओ जा, कमाल कर रहे हो। पता नहीं कैसे हाउस चलता होगा। स्पीकर सर, आपके मंत्री के द्वारा जवाब में लिखा गया है। मेरे मंत्री नहीं, वो सरकार के मंत्री। सरकार का मंत्री कह लो, कोई नहीं। हाँ जी, मैं तो आपके माध्यम से मंत्री को कह सकता हूँ। ये कह सकते, लिखा हुआ है कि 11,90,000 अक्षेत्र के अंदर बाजरे की बुआई हुई है, जिसमें 3,00,000 एकड़ फसल जो इफेक्टेड है, और उसके लिए सरकार की तरफ से टोटल पैसा सैंक्शन किया गया। इसको कैसे 3,00,000 एकड़ को बचाया जाए, उसके लिए 17,00,000 रुपया, 6 रुपए से भी पर एकड़ का कम बढ़ता है। इससे यह साफ जाहिर हो जाता है अभी यह सरकार किसान की कितनी बड़ी हमदर्द है। यह सरकार किसान को मारने के लिए, कमजोर करने के लिए, किसान की फसल ना बचे उसके लिए समय के ऊपर किसान की कभी मदद नहीं करती। पहले बाढ़ से मारा, अब इस सुंडी से मार दिया। अगला सुनो आप, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने बाजरे की सुंडी की कंट्रोल के लिए, क्योंकि हमारे पास एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सिर्फ, जिसके अंदर जिससे राय ली जाती है, जब कभी भी किसी भी फसल के अंदर कोई बीमारी आती है तो वहां के जो साइंटिस्ट है उनसे पूछा जाता है बकायदा तौर पे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और वो फिर सरकार को इसके लिए बकायदा तौर पे लिखित में या बर्बली जैसे भी बताती है कि इसकी ये पेस्टिसाइड है, इसको इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इस कृषि विश्वविद्यालय से कोई सलाह ली गई तो कब ली गई, इसके बारे में भी जरूर बताया जाए। किसान की फसल को बचाने के लिए कोई हमारी यूनिवर्सिटी से, कोई सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई कि नहीं हुई? उसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सुंडी के कंट्रोल करने के जो मानक तय किए गए, केवल बाजरे की फसल के लिए जिसकी बिजाई जुलाई, मतलब जुलाई के पखवाड़े में जिसकी होती है, केवल उसके लिए, मई और जून के लिए नहीं, तो मई और जून के लिए क्यों नहीं किए गए, उसके बारे में बताना चाहिए। किसान की फसल की बुआई 2-3 महीने में अलग अलग समय पे होती है और हर समय के अंदर इसकी जानकारी सरकार की जिम्मेवारी है कि उस फसल को कैसे बचाया जाए। जब सरकार के पास इसकी जानकारी आती है तो उससे पहले सरकार उसके ऊपर
ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। एक मिनट है, अभी तो बात नहीं नहीं, नहीं करी। ऐसा है, एक क्वेश्चन है, आपने तीन क्वेश्चन पूछ चुके हैं। कहाँ पूछे? तीन अब कोई पूछे हैं, वो कोई नहीं, वो वैसे ही थे। उससे रिलेटेड बात नहीं, नहीं, है, एक मैं ये पूछना चाहता हूं। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, आपने तीन प्रश्न कर चुके हैं, तीन क्वेरीज कर जवाब की जो जवाब उसकी वो जवाब कर रहा हूँ, वो जवाब देंगे, वो उसका पूछ रहा हूँ। तीन प्रश्न आपने पूछ लिया, पूछ लिया तीन, आप बताओ मुझे बताना। देखिए एक तो यूनिवर्सिटी का पूछ लिया आपने, पहले कराई कि नहीं कराई, मई और जून की क्यों नहीं कराई, और 17 लाख रुपए जो आपने दिए वो 17 लाख रुपए क्या काफी हैं? ये क्वेश्चन नहीं है आपके क्या? अरे तो फिर ये इससे रिलेटेड चीजें हैं या कुछ और बार से पूछ रहा हूं? रिलेटेड तो है, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, दो पूछ लीजिए। तो कोई रिलेटेड बात पूछनी नहीं चाहिए? नहीं नहीं, आप किसान के हिते से या किसान के खिलाफ है? पहले तो आप नहीं नहीं, मैं तो किसान के बहुत हक में हूँ। आप नहीं, कितनी अहम बात है कि 3 लाख एकड़ फसल मरगी, उसे सरकार से उसके बारे में पूछना चाहते हैं आप? क्या बिल्कुल सरकार को पूछने का हमने पूरा टाइम दिया, इसीलिए किला अगर ये जरूरी ना होता तो फिर सीए लगाने की क्या जरूरत थी? काला टेंशन हम क्यों लगाते? इतनी देर में तो मैं खत्म कर लेता जितनी देर आपने यहाँ लगा दी। सारा प्रदेश एक है, स्पीकर कह रही इसके बीच में केरोड़ा है मेरा। ना ना मेरा आपका कोई रोड़ा नहीं है। रोड़ा है कोई? ना कोई रोड़ा नहीं। जो 2 हेक्टर से ज्यादा भूमि वाले किसान है उनकी सहायता कैसे की जाएगी? जैसे अभी इस बात का जिक्र चल रहा था कि जिनकी फसल खराब होगी उनको सरकार की तरफ से कितना कितना मुआवजा दिया जाएगा, या इसको अब तक जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्यों नहीं रखा गया? इसको फसल को भी जब इसको एमएसपी पे खरीदने की बात है तो फिर इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी रखना चाहिए। क्यों नहीं रखा गया उसका कारण भी बताया जाए, और ये जरूर बताए कि क्या वो 6 रुपए से उस किसान को क्या मदद करना चाहती थी सर? वो इतनी सी बात पूछनी थी, इतना टाइम आपने बिना बताओ खराब कर दिया। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल जब सर सिंह जी अरे एक मिनट बैठो तो अबे सिंह नाम राशि हो मेरे, बैठ जाओ यार। मंत्री जी जवाब, मंत्री जवाब। एक मिनट, एक ये फोटोग्राफ्स है। हाँ जी हाँ। सिर्फ ये फोटोग्राफ्स है जो फसल खराब हुई है, टेबल कर दीजिए। ये फोटोग्राफ आपके पास भेजूंगा, आप ही दिखा दीजिए आगे किसको दिखानी है। ठीक, माननीय सदस्य जिसने इस कॉलिंग अटेंशन की शुरुआत करी, अभी हाउस में नहीं है, बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय को लाए थे, मगर मुझे लगता है रिप्लाई सुनने से पहले गंभीरता इस विषय की भूल गए। मैं सिर्फ हाउस के संज्ञान में ला, जहां माननीय सदस्य ने कही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो सर्वे किया वो 3,02,000 एकड़ इफेक्टेड उनने बताया, जो कि क्षतिपूर्ति पे जब हमारे पास डाटा आया वो 2,05,66 एकड़ का आया है। ये प्राथमिक आंकड़े, मैंने मेरे रिप्लाई में भी कहा था कि अभी जनरल गिरदावरी चलेगी 5 सितंबर से, उसके अंदर भी ये आंकड़े आएंगे, वो इसके अंदर एडिशन आएंगे। वेरिफिकेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा, क्योंकि इस बार पहली बार है कि 88 लाख एकड़ प्रदेश के कोने कोने की हमने वेरिफिकेशन इस बार, किसी ने सेल्फ डाली है तो सेल्फ, नहीं तो गवर्नमेंट अधिकारियों के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा हमने वेरीफाई एक एक एकड़ कराने का प्रयास किया, तो हमारे पास डाटा पूरा है। और जैसे ही एसडीआरएफ की तरफ जो नॉन इंश्योर्ड फार्मी है वो लोग क्लेम करेंगे, वहां से दिया जाएगा, जिसकी राशि माने गीता बुकल जी पूछ रही थी मैं बता देता हूँ, 7,000 रुपये प्रति एकड़ है 25 से 50 का, 50 से 75 का 9,000 रुपये प्रति एकड़ बाजरे का है, और 75 से 100 का 12,500 रुपया प्रति एकड़ का। और जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरी फार्मर को पैसा मिलने का है, मैं अश्योर कर सकता हूं कि उनका एक मेथड है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कई बार इस सदन में बता के, कि वो क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस करते हैं,
और क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस के बाद गांव दर गांव जो क्रॉप लॉस आता है उस हिसाब से अगर कोई भी इंसेक्टिसाइड से फसल बर्बाद होती है उसका क्लेम वो डिसिंबर्स करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां माननीय विधायक अभय सिंह जी ने बात कही कि 17 लाख के कैंप्स लगाए गए 6 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, मैंने अभी गीता भुक्कल जी के जवाब में भी कह दिया है कि बड़े क्लियरली उसको इसलिए डेफर किया गया क्योंकि वो जो उसका सीड था उसके अंदर तक, फ्रूट के अंदर तक पेस्टिसाइड का इंटेक आने के खतरा था और एचएयू ने उसको रिवाइज करने का काम किया। एक चीज जो उनने पूछी कि 5 एकड़ या 2 हेक्टेयर से, माने उप मुख्यमंत्री जी सदन का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। जो उनने बात पूछी कि 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ तक के किसान को क्यों कवर किया जाएगा, ये पूरे देश में जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की गाइडलाइन है उसके उपरांत 5 एकड़ से ऊपर के किसान को 5 एकड़ तक का ही मुआवजा दिया जाता है। आज नहीं, देश की आजादी से लेकर अब तक 2 हेक्टेयर की ये गाइडलाइंस है। और ये पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में अब तक बाजरा कवर्ड क्यों नहीं है, बाजरा कवर्ड है। पहले भी जब जब बाजरे में कोई दिक्कत आई है, क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस में आई है, तो भी बाजरा उगाने वाले किसान की फसल नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इतिहास में भी हुई है और इस बार भी सरकार उसको कवर करने का कार्य करेगी। धन्यवाद।